नमस्कार दोस्तों, पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको 10,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, पैन को आधार से लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर यह निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय पैन कार्ड यूज करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हम पर आप पर 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसलिए अपने पैन को पैन कार्ड आपका आधार से लिंक है या नहीं है यह भी चेक कर लें। अपना, अपने दोस्तों का, भाइयों का, वाइफ का, फादर मदर का पैन कार्ड अगर है तो उसका स्टेटस चेक कर लें। स्टेटस चेक कर दें और पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर लिंक आधार है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके ही आप अपने पैन को आधार से लिंक भी कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये खुल जाएगा पॉपअप। यहाँ पर देखिए लिखा है लिंक आधार, क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये मेनू खुलेगा, लिंक आधार स्टेटस। यहाँ पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये बता देगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है कि नहीं है। देखिए मेरा ये पैन कार्ड लिंक है। अगर नहीं है तो क्या करना है, आपने सीधे अपना यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, नेम एज पर आधार डालना है और कैप्चा डाल के लिंक आधार करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। लेकिन ये तभी लिंक होगा जब आपके पैन और आधार की दोनों की डिटेल सेम होगी। अगर किसी में भी डिटेल सही नहीं है तो ये लिंक नहीं होगा। तो आपको जिसमें डिटेल गलत है उसे ठीक करना पड़ेगा। डिटेल वीडियो कैसे आपने अपने जो है पैन को आधार से लिंक करना है उसका वीडियो का लिंक आपको देखिए लास्ट में एंड स्क्रीन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों 31 मार्च 2020 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक अवश्य कर लें। अपने ही नहीं, अपने मित्रों के और सगे संबंधियों की पैन स्टेटस चेक कर लें। अगर लिंक नहीं है तो लिंक कर लें। अगर उन्हें कुछ करेक्शन करना है पैन या आधार किसी में भी, क्योंकि लिंक तभी होंगे जब दोनों में डाटा सेम होगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह सब सेम होगा तभी लिंक होगा। ये सब कार्रवाई कर लें और फाइन से बचें। 31 मार्च 2020 तक पैन को आधार से लिंक ना करने पर ये निष्क्रिय हो जाएगा, निरस्त नहीं होगा। उसके बाद भी अगर जब भी आप पैन को आधार से लिंक कर लेंगे तो आपका पैन फिर से सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इस बीच में आप अपने पैन को एज ए आईडी प्रूफ या बैंक में अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 50,000 से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो जाती है वहाँ पैन दिखाना जरूरी होता है। अगर वहाँ आपने पैन दिखा दिया और पैन आपका आधार से लिंक नहीं है तो आप फाइन के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए समय पर पैन को आधार से लिंक कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।